राम राम जी सारा ने ज्वाइंट फैमिली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो शुरू कर दी है, सोचा ब्लॉग तो बनाना ही है। आप सब वेट करोगे भाई, अपना रूटीन है अपना आपके साथ शेयर करना बनता है। ब्याज हो रही थी, तबीयत खराब, आज लाई हूँ दवाई। 2 घंटे भी मैं रेस्ट करके आई हूँ, अभी 2 बज रहे बच्चों का आने का टाइम है। तो सोचा भी कुछ काम चल रहा है अगर मैं आप सबके साथ दिखा दूँ, वीडियो बढ़िया बनाएंगे, लाइक शेयर कर दो ठीक है। बच्चे अभी तक आए नहीं है स्कूल में, घर एक ऐसी चीज़ है भाई सबके खातिर बहुत मायने रखा है, घर के बिना के मतलब सब इंसान अधूरे हैं, किसी का छोटा है बड़ा है सबनों सोचा है अपने ना, सजा सुजा कर रखा है, साफ सफाई करके रखा है। तो भाई आज का ब्लॉग मेरा कुछ इसी टॉपिक पर बनने वाला है, लाइक कर दो और शेयर कर दो ठीक है। जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। अरे मैं चालू हूँ क्योंकि चल रहा है काम का सीजन, तो हमने सोची थी कल हमने ठेके बाहर निकाल दिए थे। तो भाई अपना घर है तो साफ सफाई तो करना बनता है, तो अभी मैं दिखाती हूँ भी क्या कुछ करना हमने शुरू कर दिया है। तो भी देख सको आप सब इस ड्राम में, यो पता नहीं ऐसा मौसम है कि कुछ है, गोल रखा है देख लो इस कलर का, नीचे बैठ रहे हैं। तो भाई स्टोर में ना पहले काम करवाया था, तो जब उस टाइम पे थोड़ा बदा बदा दिखा था क्योंकि नया काम करवाने में थोड़ी सी मरसा दिखे ज़्यादा, को साइड तरह बिरा दिखा है, तो इसमें ठेके लगा रखे थे। तो भाई आदमी वही बात, अपना बजट के हिसाब से काम कराया, थोड़ा थोड़ा सा काम करना ठीक लग गया है। तो भाई किसी की रिश्त होती नहीं, सबका अपना अपना हिसाब हो गया है। तो फिर अब अभी सोचा भाई अभी तो टाइम है ठेके लगाने में काम करने में, तो भी धीरे धीरे तो अपने घर की साफ सफाई हो जाएगी और थोड़ा बढ़िया लग जाएगा। तो अभी जो हमने लगा रखा था पेंट करने वाला, अभी वो जा रहा है, लंच का टाइम हो रहा है अपने घर, तो आज बस ये इस दीवार पर तो थोड़ा सा ही होया है, इस दीवार पर पूरा कंप्लीट हो गया है डबल कोट। तो भी धीरे धीरे अपना सारा काम हो जाएगा और मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी, दिखाती रहूँगी ठीक है। तो अभी बस बच्चों का आने का टाइम है, मैं जाकर रसोई में थोड़ी तैयारी कर लूँ खाने को। मैं तो मैंने सोचा एक सूट सिल रखा था, मैं इसकी तुरपाई कर दूँ बैठे बैठे। तो भाई तुरपाई करना मैंने थोड़ा टाइम सा लग गया, मैंने बोरिंग सा काम लग गया क्योंकि इसमें बैठ कर ना कति फुर्सत में काम करना पड़ा है। तबीयत हो रही मेरी आज बहुत ज़्यादा ख़राब, कति सिर में दर्द है, गले में दर्द है, दवाई लेकर आ रही हूँ डॉक्टर के, तो फिर भी दवाई तो इतना खास आराम नहीं पड़ रहा। आज भूमि की भी तबीयत खराब हो गई है, भूमि तभी दवाई दवा के लाए हैं, और अन्नी की भी तबीयत खराब होगी लगातार, आज कई आदमी बीमार पड़ गए हैं घर में, पता नहीं भाई खांसी जुकाम ना उठने बीमारी हो गया है घर में, एक बार हो जाते एक दूसरे का फिर सारा कहे हो जाए है। अरे बैठे हैं सारे बाहर गली में क्योंकि घर के आगे छाँ आ रही है, तो वहाँ अपना बैठे हैं बातचीत करने लग रहे हैं, बाकी बाहर वो पेंट वाला पेंट करने लग रहा है, भूमि के पापा इसके हेल्प करने लग रहे हैं और चीनू भी काम करने लग रहा है। अभी 4 बजे का टाइम है, चाय चुए हमने सब ने पी ली है। तो सोचा भाई ब्लॉग की आधी क्लिप कर लो, आप सबके साथ शेयर कर लो भाई, आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखा करो भाई, वीडियो ने ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो भाई, आप सबके सपोर्ट के बिना ना हम बिल्कुल अधूरे हैं। तो भी स्पोर्ट तो बहुत ज़रूरी हो गया है। अरे तब मेरा यो काम फिर करते करते ना मैंने बाजू का तो तुरपाई कर दी थी, बाकी सूट का एक दो हिस्सा और भी रहता था, भूमि कई दिन तक हुआ थी क्योंकि भूमि का जम फरक, मम्मी मेरे सूट का तुरपाई कर दो मेरा पहनने का मन है, तो मेरा टाइम नहीं लग गया था, तो इस वजह से फिर मैंने सोची मैं चल भाई चाय चुए पी लिए रेस्ट कर ला कर बैठी बैठी, मैं इस बहाना भूमि के जम्फर का तुरपाई भी हो जाएगी, मेरा काम भी हो जाएगा और बालका का पढ़न का भी काम सुन लूँगी, जो ये काम अपना याद करके सुनाया करें, तो मैं बैठे बैठे कमरे में सारे काम हो जाएंगे। बाकी मैं गाय ने संभाला आई हूँ, वो काम सारा कर आई हूँ, बीच बीच में फिर बस दलिया गिर के दाल धार काट दूंगी 4:30-5 बजे। तो उससे पहले मखा फिर अपना जो काम बच रहा है सारा कर दूँ, रसोई भी मैंने साफ कर दी है, और भाई यो जो सफेदी का काम हुआ है ना फिर घर में काम एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा हो जाए, साफ सफाई का सामान इधर उधर ठाना तो लग गया है। बच्ची ने लग रहा अपना स्कूल का काम करने के बाद काम तो करना ही पड़ा है, बड़ा करना बहुत टाइम लग जा रहा, भूमि की हो रही है बेचारी की तबीयत खराब, फिर भी अपना पढ़ने का काम करना लग रही है, फिर बालक बालक के अपने लगन हो जाए। मैं इससे कह रही हूँ बेटा तो आराम कर ले, लौट जा करना मम्मी फिर ज़्यादा काम हो जाएगा। हाँ बेटा चल कर ले कोई बात नहीं, उधर देख लो पंखी बैठी है बाहर, मन से बैठा तो चला गया है बैठी बाहर, बाकी रसोई में मेरे थोड़े से बर्तन रह रहे हैं, बर्तन धोऊंगी, रिफ्तारा का टाइम हो गया है, मैंने बैंगन छील दिए हैं 2-3 थे, तो मैंने छील के हर काट कर इसमें कुकर में डाल दिए, धो का थोड़ा पानी चढ़ा कर इन उबाल भाई। अभी शाम का टाइम हो गया 5 बजे का, जो हमारा भाई था जो ये पेंट करा था वही बाहर चा पीने लग रहा, तो हम आ गए हैं, देख लो आप सब भी पिंकी बताओ कि हमने के काम कर दिया है, ये कर दिया हमारा पहला बरंडा था जिसकी हमने दीवार ही बंद करवाई थी, बरंडा था यो मुंडा लगा करता है टेकली गटी ना कम है काटी ना होंगे कदा काम तो छोड़ दे है भाई, देख लो गिटी गिटी रहे देख लो भाई बाप सब भी, इसमें जब हमने पीछे काम करवाया था ये बरंडे बंद करवाए थे, तो जब बुंडा सा लग गया था
सोची थी जब गेहूँ आएंगे ना ठेके बार काट देंगे, जब ठेके बार काट कर फिर आड़े का समोसा मरवा देंगे, पर मरवा दिया साफ सुथरा सा होगा, पर वो साफ सुथरा नहीं होता। चाहे कितनी सफाई कर लो फिर भी गंदगी से रवर्स यो पेंट करवा लो समोसम करवा लो फिर सारा साफ सुथरा हो जाओ है। पर इस बार कभी करवा देंगे, बार कभी सारा बद्दा अलग है, थेकली सी हो रही है। और भाई सब कावना बजट के हिसाब तो कोई पेंट करवा ले, कोई समोसम करवा ले, कोई सफेदी करवा ले, बढ़िया बढ़िया कोठिया टाइप घर हो तो भी उसा करवा ले, फिर मारा ही साथ हम समोसम करवा, मारा सिंपल सा ही घर कमरा मत आगे पेंट हो रहा है थोड़े उस तरिया के आड़े का, फिर हम सिंपल सा ही। और आप सब ने दिखता भी होगा कितनी साफ सफाई होगी हमारा, यो वाला पोर्शन कति पूरा हो गया है, इसमें हम जता देंगे ठेके ठाक के कल निकाल लेते, अब तक इसमें ईंट आंट पड़ी है क्योंकि भाई आप सब बताइयो किसा लग गया हमारा स्टोर रूम है, हमने थोड़ा साफ सा कर दिया, इसमें काम करने में जी लगेगा जब हम कितने तक कोई काम कर लेंगे देख लो। चलो इसमें कल हम ठेके लगा देंगे, आड़े हमारा इन्वर्टर आ जाएगा, फिर ये हमारा एक अलग तक कमरा हो जाएगा, अपना खुला है बैठे रहे अपना, वही बात अगर मैं कोई एक्स्ट्रा रूम है तो चाहे बरंडा हो चाहे कुछ भी हो यूज में तो आवे है। तो भाई वीडियो किसी लगे बता दियो कमेंट करके, ठीक है, और लाइक शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो और देख लिया।